फार्मूला बनाया था, जब एक ही अटेम्प्ट में आईपीएस बन करके अपने ही प्रदेश में सर्विस करने आए, उस दौरान आप जैसे तमाम हमारे भाई बहन हमसे पूछते थे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। सो मैंने उस सीक्रेट ऑफ सक्सेस को मैंने एक एक्रोनिम में ढाल लिया था, उसको मैंने नाम दिया था फाइव एप्पल्स। तो फाइव एप्पल्स का केवल मैं झलक दिखा के जाता हूँ, कभी मौका मिलेगा आएगा तो एक्सप्लेन करूंगा। आज के जनरेशन में जो चीज लैग करती है वो फाइव एप्पल्स से जो लैग करती है। पांच सेब आपको लेके चलना चाहिए। फाइव एप्पल्स में एफ फॉर फोकस, आई फॉर इंटीग्रिटी, बी फॉर विजन, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एटीट्यूड, पी फॉर पैशन, पी फॉर प्लानिंग, एल फॉर लीडरशिप, E for extra work and S for synergy. That is the mantra of five apples. कभी टाइम मिलेगा तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिलहाल मैं ये आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी करें, पॉजिटिव सोचें हमेशा जिंदगी में। पॉजिटिव सोचें, अगर अपने आप को कमजोर समझेंगे तो आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। वोट जब आप करते हैं तो आपको अपने आप को मजबूत करते हैं। अभी हमारे आरजे गोविंद जी ने भी कहा और हमारे अन्य हमारे वक्ताओं ने कहा कि हम लोग शिकायतें बहुत करते हैं, लफाजियां बहुत करते हैं, लेकिन जमीन पे हम काम करने के लिए तैयार नहीं होते, आलसी हो जाते हैं और केवल सिस्टम को या और लोगों को दोष देते हैं। अपने बारे में हम नहीं देखते कि हमारा कर्तव्य क्या है, जबकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उन्होंने कहा था कि कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे और मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे। मैं चाहूंगा कि जो एनर्जी आप में है वही बनी रहे। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप कहिए एक बार, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। एक बार कहिए, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। यही पॉजिटिव सोच आप अपने अंदर रखिए, कभी मौका मिलेगा तो आपको और ब्रीफिंग की जाएगी। एक बार मैं पुनः चाहूंगा कि इसमें जितने लोग हैं यहाँ पे उपस्थित और ये बातें सुन रहे हैं, वो 27 फरवरी को या जब भी जिस जिले से आप हो, जहाँ पे भी वोटिंग आपको देना है, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने मनपसंद व्यक्ति को जरूर चुनें। उनको जिता करके आप समाज में तरक्की और खुशहाली ला सकते हैं। इसीलिए इस फोरम में आप सबसे हृदय की गहराइयों से अपील करता हूँ कि आप इसको केवल लफाजी का समय व्यतीत न माने। जो भी बातें कही जा रही, सुनी जा रही, उसको दिल में धारण करते हुए उसको अमली जामा पहनाने का आप लोग काम करेंगे। 27 फरवरी या 23 फरवरी जब भी आपको समय आपके यहाँ चुनाव का है, उसमें जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी ताकत का एहसास पूरे देश को कराएं, जनता को कराएं। ज्यादा समय न लूंगा, एक बार पुनः आप सभी के स्वर्णिम और संस्कार युक्त भविष्य की कामना करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।